भ्रष्टाचार के उच्च स्तर ये जांच कराना होगा, दलालों के द्वारा प्रखंड मुख्यालय चलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लूट खसोट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं। 16 अक्टूबर 2021 को भाकपा माले ने लखनीपुर महेशपट्टी पंचायत के लखनीपुर गुमटी से बेलारी हाई स्कूल चौक तक गंगा प्रसाद पासवान और घुरन सहनी के नेतृत्व में प्रतिरोध मार्च निकालकर उजियारपुर मनरेगा में करोड़ों की फर्जी योजना बनाकर अवैध निकासी किए जाने के खिलाफ जांच की कार्रवाई को पूरा करने, राशन की सही वजन उपभोक्ताओं को देने की गारंटी करने, उपभोक्ताओं को राशन के बदले रसीद देने की गारंटी करने, मनरेगा के तहत मजदूरों को साल में 200 दिन काम करने, पशु शेड वृक्षारोपण, सोखता निर्माण, मिट्टी भराई कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मजदूरी मनरेगा से भुगतान की जांच कराने की मांग की है। भाकपा माले जिला स्थायी कमेटी सदस्य फूलबाबू सिंह ने कहा कि बिहार पंचायत चुनाव आचार संहिता 2021 से पहले मनरेगा योजना में करोड़ों की लूट के खिलाफ जिला स्तरीय जाँच टीम गठित किया गया था, परंतु अभी तक कोई जाँच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया गया है। इसी बीच तत्कालीन पीओ अल्ताफ हुसैन का तबादला अनिर्णित कर दिया गया है। मनरेगा योजना में जांच से करोड़ों रुपए की अवैध निकासी का भंडाफोड़ हो जाएगा। प्रखंड कमेटी सदस्य गंगा प्रसाद पासवान ने कहा कि मनरेगा योजना में हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ भाकपा माले जांच पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने को कटिबद्ध है। उजियारपुर के डीलरों से उपभोक्ताओं को सही वचन पर राशन एमओ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है। राशन का कीमत अधिक डीलरों द्वारा वसूली किया जाता है और राशन का रसीद भी नहीं दिया जाता है। वहीं इस मौके पर महेश प्रसाद सिंह, मोहम्मद अलाउद्दीन, अर्जुन दास, गणेश सहनी, कैलाश सहनी, राकेश कुमार, यशवंत कुमार, बबलू कुमार सहनी, दीपक कुमार सदा, तिलोक कुमार, तिलक सदा, शंभू सहनी, मोहम्मद सकूर, मुन्ना कुमार सिंह, ललित कुमार सहनी, मोहम्मद आजाद, आलोक कुमार, दिनेश शाह, मोहम्मद सज्जाद, मोहम्मद इखलाक, मोहम्मद समी, मोहम्मद हारून, नवीन कुमार सिंह, रोहित कुमार पासवान, राहुल राय आदि मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए समस्तीपुर से संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। आज आप किन मांगों को लेकर के प्रतिरोध मार्च निकाले हैं? देखिए, राशन का जो मामला है, राशन में लाभुकों को रसीद नहीं दिया जाता है और कम वजन दिया जाता है। साथ ही साथ यह कहा जाता है कि हमको ऊपर से कुछ नहीं बचता है, तो उसमें कहता है कि कम वजन नहीं देंगे तो हम नहीं चल पाएंगे। हम चाहेंगे कि इसकी राशन का जो घोटाला है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, जो इसमें दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई हो। दूसरी ओर मनरेगा के द्वारा उजियारपुर प्रखंड के अंतर्गत 2800 पंचायत में करोड़ों अरबों रुपया की घोटाला है। इस घोटाले की उच्च स्तरीय जाँच हो। जांच के साथ मनरेगा की जो पीओ अल्ताफ हुसैन है उसको बर्खास्त करते हुए जो दोषी इसमें पाए जाने वाले लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इस पे भी कार्रवाई हो। अन्यथा भाकपा माले एक लंबा आंदोलन करेगा। और साथ ही साथ जब भाकपा माले ने आंदोलन किया था तो उसमें यहाँ के जो पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी थे, एसडीओ और डीडीसी के आश्वासन दिए थे कि हम 7 दिनों के अंदर में हम जांच कर दोषियों पे कार्रवाई करेंगे। तो हम ये प्रदर्शन के माध्यम से हम डीडीसी महोदय, एसडीओ दलसिंह राय को भी अवगत कराना चाहते हैं, यदि आप जांच कर कार्रवाई नहीं करते हैं तो भाकपा माले आने वाले दिनों में चरणबद्ध आंदोलन करेगा, आमरण अनशन करेगा। गंगा प्रसाद पासवान, भाकपा माले, उजियारपुर, समस्तीपुर।